सो तुमने जो इनऑर्गेनिक का जो किताब था ना, जो ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, वो जो है ये आ चुका है, जेडली किताब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये रहा दिस इज किताब। ठीक है, तो पहले मैंने इस किताब को बाहर पता किया दुकान के बाहर, तो बता रहा था 830 रुपये के। ठीक है, तो मैंने जो है कि इसको ऑनलाइन देखा फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पर जो है कि यह करीब करीब मुझे 730 रुपये की, मतलब 100 रुपये सस्ता मिल गया मुझे बाहर से। तो फ़ायदा तो हुआ 100 रुपये का, लेकिन एक थोड़ा सा खतरा रहता है कि कहीं ऑनलाइन सामान आ रहा है कहीं धोखेबाजी ना हो जाए, क्योंकि इसी जो है केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसलिए अब ऑनलाइन जो है जो हमारे अमेजान फ्लिपकार्ट उस पर ओपन डिलीवरी स्टार्ट हो गई। क्या अपने आइटम को देखिए, अगर आपका आइटम सही है तो आप लीजिए, नहीं तो वापस कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आ गई है, सो तभी मैं इसको पढ़ूँगा। तो पढ़कर जो है कि आप कैसा रहा रिव्यू, आपकी किताब अच्छी है कि नहीं, कि अच्छी है फ़ायदा IIT एग्जाम के लिए, या फिर अदर जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है BHU का है, या JNU, या फिर कह सकते हैं DU, और फिर जो भी हमारे यूनिवर्सिटी हैं उनका, हाँ आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसके लिए जो है कि रिव्यू मैं इसके पढ़कर दूंगा आप लोगों को। ऐसे किताब देखने में तो मोटी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छी देखने से क्या होता है, क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। तो ये रहा जो है कि मेरा इनऑर्गेनिक का किताब, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी खासी चल रही है फिलहाल, मेरी जो टर्न ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, तो अभी तो मैच भी देने वाला है नहीं, तो अभी तो मान लीजिए किताब आ गई है, तो अभी तो एडिजम फिजिकल केमिस्ट्री का टाइम स्टार्ट हो गया, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाए है कि नहीं। सो तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा जाए, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसके बाद देखा जाएगा। अब इस किताब के बारे में मैं आपको एक आध दो दिन में रिव्यू देता हूँ, क्योंकि इसको भी मुझे पढ़ना पड़ेगा तब ना, क्योंकि अब हर टॉपिक के विषय में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होंगी। वैसे मैं जो फेवरेट टॉपिक है वो क्वाड्रेशन कंपाउंड, पहले उसी को पढ़ना स्टार्ट करूँगा, फिर एसिड बेस उसके बाद पढ़ूँगा। तो दो तीन दिन में मैं रिव्यू इसका देता हूँ कि ये किताब अच्छी है कि नहीं अच्छी है, फादर IIT जब मैं फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन सजी ने कहा था कि अच्छी किताब है। तो मैं अब सर जी की रिव्यू अलग है, मेरी रिव्यू तो अलग ही रहेगी। सो तो फ्रेंड्स, अब ये रहा मेरा किताब, अब आगे मैं आपको बताऊँगा कैसा रहेगा। तब तक जो है कि आप लोग भी बैठ कर मैच देखिए आज भारत न्यूजीलैंड के बीच, और आप बताइए कौन जीतेगा आज। वैसे मेरे अनुसार आज न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, तो है कि नहीं, तभी जो है कि हमारा तीसरा मैच है वो रोमांचक रहेगा ना, नहीं तो आज भारत जीत जाएगा रोमांच फिनिश। ठीक है, तो अभी मैच का आनंद उठाइए, हो सकता है हम भी कमेंट्री करें साथ में। तब तक जो है कि मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।